हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं लता टेरेस गार्डन से, और आज मैं आपको अपने टेरेस गार्डन में खिले हुए फ्लावर दिखलाने जा रही हूँ। तो यहाँ से मैं अपने टेरेस गार्डन का व्यू दिखला रही हूँ। ये है पिंक हिबिस्कस, और इसके बाद ये देखिए बैगन बोलिया है, और इसमें अच्छे से फ्लावर खिल रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा प्लांट होता है, ये हार्डी प्लांट है और परमानेंट प्लांट है। इसे कटिंग से लगा सकते हो और इसमें काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग आती है, और बिल्कुल ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसे बहुत ही कम केयर में अच्छे से आप लगाकर फूल पा सकते हैं और बेहद ही खूबसूरत सा लगता है, और इसे कटिंग करके हम छोटे रूप में भी रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये फ्लावर आ रहे हैं, ये बंच में आ रहे हैं, और एक ही बंच में ढेर सारे फ्लावर आते हैं। लगभग 50 से 100 के बीच इसमें फ्लावर एक ही बंच में आते हैं, और इस फ्लावर का नाम है एक्जोरा। और मैं इसमें देख रही हूँ कि इसमें सालों भर फ्लावर आते हैं। और यहाँ पर ये मेरे गार्डन का सबसे ऊँचा प्लांट है, और ये है नागचंपा। इसमें फ्लावर काफ़ी खूबसूरत से आते हैं, और ये वाइट कलर में आते हैं, और इसके सेंटर में येलो कलर होता है। इसके भी फ्लावर काफ़ी दिनों तक अच्छे से रहते हैं। और इसमें देखिए ये हैंगिंग बास्केट्स में मेरे पॉर्चुला के प्लांट हैं, और ऐसे तो पॉर्चुला मेरे पास लगभग 4-5 कलर के हैं, और सारे कलर काफ़ी खूबसूरत से हैं। इसे कटिंग के माध्यम से लगा सकते हैं, इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ सो प्लांट्स, और यहाँ पे देखिए ये कबन बटर कप है, और ये वाइट कलर में है, और सेंटर में इसका येलो है, और ये देखिए रेड रोज है। और इसके बाद यहाँ पे वाइट बटन रोज है, इसके बाद ये वाइट बटन रोज पिंक कलर में हो जाता है। और यहाँ पे सदाबहार है, मेरे गार्डन में सदाबहार के प्लांट बहुत सारे हैं। यहाँ पे रात रानी है, इसमें भी ब्लूमिंग हो रही है, इसमें रात में बहुत अच्छे से खुशबू आती है, और ये भी एक प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये वाइट जेरेनियम है, इधर को सो प्लांट्स है। ये सारे सो प्लांट्स मैं कटिंग से ग्रो की हूँ, और ये काफ़ी अच्छे से लग गए हैं, और काफ़ी खूबसूरत सा लुक इसका लगता है। यहाँ पे भी मेरे प्लांट्स ऐसे रखे हुए हैं, और यहाँ पे भी सदाबहार के प्लांट्स है, और ये पिंक सदाबहार है, और इसमें भी अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ पे देखिए पॉर्चुला को मैं इस तरह से लगाई हूँ, ये छोटे छोटे प्लास्टिक के गमलों में लगे हुए हैं और अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे पिंक कलर, रेड कलर, वाइट और येलो 4 कलर मिक्स है, और इसके साथ यहाँ पे हाइब्रिड वाला ये उड़हल है, और ये कॉफ़ी कलर का है। इसमें भी एक दो फ्लावर खिलते रहते हैं, और इसका कलर भी काफ़ी प्यारा सा है। यहाँ पूरा लुक कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, और ये काफ़ी प्यारा सा लगता है। गर्मियों में पॉर्चुला काफ़ी अच्छी तरह से फ्लावरिंग देता है, और इसे ज़रूर से लगानी चाहिए, गार्डन को काफ़ी खूबसूरत सा लुक देता है। और यहाँ पे डबल पेटल्स ऑरेंज हिबिस्कस है, और ये देखिए ये पिंक हिबिस्कस है, इसमें भी अच्छी से फ्लावरिंग हो रही है। तो अभी तो 2 फ्लावर खिले हुए, लेकिन बहुत सारी कलियां बनी हुई है। और इधर से भी मैं अपने नागचंपा का प्लांट आपको दिखला रही हूँ। ये देखिए काफ़ी ऊंचा सा है, और कुछ इस तरह का इसका लुक है, और इसे मैं एक रड के सहारे बांध कर रखी हूँ, क्योंकि आंधी तूफान में ये काफ़ी हिलते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए हिबिस्कस है, ये देसी हिबिस्कस है रेड कलर में, और इसमें भी 2-4 फ्लावर खिलते ही रहते हैं। और इसके बाद यहाँ पे भी हिबिस्कस है, यहाँ पे अधिकतर मैं हिबिस्कस लगाई हूँ, तो कुछ आज खिले हुए हैं और कुछ कभी कभी खिलते रहते हैं। और यहाँ पे भी देखिए पिंक कलर का हिबिस्कस था, और ये देखिए येलो कलर में है, और येलो में भी डबल पेटल्स हिबिस्कस मेरे पास है। देखिए यहाँ पे ये जो हिबिस्कस है कितना प्यारा सा लग रहा है येल्लो कलर का, ये भी काफ़ी प्यारा सा मुझे लगता है। और इसमें भी देखिए एक और खिला हुआ है, और इसमें ढेर सारी कलियां भी हुई है, तो लगभग 2-3 फ्लावर इसमें रोज़ खिल रहे हैं अभी। तो ये प्लांट भी काफ़ी अच्छा सा लगता है, और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा सा है। और इसके बगल में येल्लो कलर का एक और फ्लावर आप देख रहे होंगे, ये भी वंच में फ्लावर देता है, और ये देखिए रेड हिबिस्कस है, और ये भी डबल पेटल्स में है, इसे भी मैं गमले में लगाई हूँ।
और ये है टिकोमा येल्लो कलर का, और इसमें भी बंच में फ्लावर आते हैं। इसे गौरी चौरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सीड भी बनते हैं और सीड से भी मेरे कुछ पौधे उगाए हैं। और यहाँ पे देखिए येल्लो कनेर है, ये ओलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें भी हल्की सी खुशबू भी होती है। इसे कटिंग से भी आप लगा सकते हैं। इसे मैं भी प्लास्टिक के वेस्ट बोतल में लगाई हूँ। और इधर देखिए फोर्बिया मिली का फ्लावर है, मैं इस कॉर्नर में फोर्बिया मिली लगाई हूँ। यहाँ पे कुछ प्लांट्स और भी हैं। तो इधर देखिए यहाँ का भी ये इसके अपोजिट तरफ का लुक है, और यहाँ भी सारे प्लांट कुछ इस तरह से मिलजुल कर है। और अभी पूरी व्यवस्थित ये नहीं है, कुछ दिनों से मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाई हूँ, तो ये थोड़े ख़राब हो चुके हैं और मैं इसे अरेंज ठीक से नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पे देखिए बालसम पॉर्चुला सदाबहार सारे मिक्स हो गए हैं, इसे मुझे अलग अलग करना है, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ का कुछ लुक इस तरह का मैं दिखला रही हूँ। ये वाइट कबन कप का एक पौधा निकल आया है, और यहाँ पर भी देखिए ये भी फ्लावर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जीनिया का है, और यहाँ पे देखिए ये भी रेड कलर में जीनिया का है, छोटा वाला है, और इसमें भी अभी फ्लावरिंग हो रही है। इधर वाइट पॉर्चुला है, और कुछ रेन लिली भी मेरे गार्डन में खिल रहे हैं। इधर भी पॉर्चुला है, बालसम है, और एक ये फ्लावर जो आप पिंक कलर का देख रहे हैं इसे लेमोनिया का फ्लावर कहते हैं। ये भी एक हार्डी प्लांट है, और ये भी फ्लावरिंग दे रहा है। तो कुछ दिनों से इसमें भी फ्लावर खिल रहे हैं। इसमें अभी पत्तियाँ काफ़ी कम है, इसमें मुझे फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत लग रही है। तो इसका भी फ्लावर काफ़ी अच्छा लगता है, और इसे कटिंग से भी हम लगा सकते हैं। इधर मेरे रोज़ के प्लांट है, लेकिन धूप में थोड़े ख़राब हो रहे हैं। और इधर देखिए एक और बैगन बोलिया है, और ये वाइट और पिंक शेड में है। इधर भी हिबिस्कस भी है, और पॉर्चुला है, और देखिए रोज का प्लांट है, ये शेडेड रोज है, और ये भी काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। यहाँ भी मेरे पास रोज खिले हुए हैं, देखिए। तो इस तरह से गर्मियों में यहाँ पे रोज का प्लांट मेरा थोड़ा ख़राब हो रहा है। इस बार मैं ग्रीन सेट नहीं लगा पाई, और उसी के कारण यहाँ पे देखिए इसकी पत्तियाँ थोड़ी जल जल गई है, लेकिन फिर भी फ्लावरिंग दे रहा है। लेकिन फ्लावर का साइज़ थोड़ा छोटा है, लेकिन गर्मियों के बाद फिर से ये ठीक हो जाएगा। तो मैं इसे अभी ऐसे ही छोड़ दी हूँ, और इसमें मैं बनाना फर्टिलाइज़र भी डालूँगी। अभी मैं बनाना फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। और यहाँ देखिए ये भी एक मैक्सिकन जंगली वाला पिटोनिया है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत था। तो इस तरह से यहाँ गुलाब और ये सारे फ्लावर मिक्स हो गए हैं, और इसके साथ ही बालसम के भी कई फ्लावर उगाए हैं। और देखिए सब में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। इधर सदाबहार है, और ये जो कलरफुल प्लांट आप देख रहे हैं मुसंडा का प्लांट है, ये भी एक तरह का शो प्लांट है। और इसके साथ ही यहाँ पे कनेर, वाइट कनेर भी है मेरे पास। और यहाँ पे देखिए वाइट कनेर ये सिंगल लेयर और डबल लेयर दोनों में है, और इसमें भी अब सीड बन रहा है। तो ये आंवला का प्लांट है, और इसके साथ यहाँ भी कुछ मेरे फ्लावरिंग प्लांट हैं, और इसमें ये पॉर्चुला का है, और इसमें के साथ ही यहाँ पे देखिए ये टिकोमा है, और इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, और ढेर सारी कलियाँ हुई हैं। कुछ दिनों में इसमें भी सारे फ्लावर खिल जाएंगे। और इसके बाद ये चांदनी है, ये चांदनी का फ्लावर भी सालों भर खिलता है, और ये हार्डी प्लांट होता है। और यहाँ पे मैं कुछ सूरजमुखी का फ्लावर लगाई थी, ये मैं सीड से लगाई हूँ, और ऑयल का कंटेनर में मैं इसे लगाई हूँ। और देखिए अभी ये इतने बड़े हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए बैगन बोलिया लाइट पर्पल कलर का है, और सूरजमुखी में अभी फ्लावर नहीं खिले हैं, लेकिन कुछ दिनों में इसमें भी फ्लावरिंग हो जाएगी। तो मैं उसे भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसके बाद इधर भी मेरे कुछ प्लांट्स हैं, उसे भी मैं दिखला रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैं एक बकेट में अंगूर का प्लांट लगाई हूँ, ये एक क्लिपर होता है, और मैं इसे इस तरह से लगाई हूँ, देखिए। और इधर ये कच्चू का है, इससे हम लोग साग बनाकर खाते हैं। इधर वेडेलिया का भी फ्लावर खिला हुआ है, और इधर भी कुछ सब्जियाँ भी लगी हुई है। इसमें मालाबार स्पेनिच है, और इधर भी देखिए कुछ वेस्ट डब्बों में मैं पॉर्चुला लगाई हूँ। और देखिए ये मालाबार स्पिनिच कितनी अच्छी तरह से ग्रो हो गया है, ये गमले में भी उगाया है, और इधर भी ढेर सारा मालाबार स्पिनिच है। इसका हम लोग साग बनाकर खाते हो, और इसे पकौड़ी में
इसकी पकौड़ी बनाकर भी खाया जाता है, तो मुझे इसका पकौड़ी काफ़ी पसंद है और मैं इसका पकौड़ी ही बनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए और भी कई फ्लावर खिले हुए हैं, इधर ये साग है और भी यहाँ पे मैं दिखला रही हूँ, ये काफ़ी खूबसूरत सा फ्लावर। और ये है जीनिया का फ्लावर, ये येलो कलर का जीनिया है, काफ़ी प्यारा सा है और काफ़ी बड़ा सा है। इसे मैं नर्सरी से लेकर लगाई थी और काफ़ी सुंदर सा ये लग रहा है। तो और इधर पे ये देखिए एक अनार का ये प्लांट है, ये खुद ही सीड से उगाया था और लगभग 2 साल में ये इतना बड़ा हो चुका है और इसमें भी छोटे छोटे अनार भी लग गए हैं। तो इस तरह से इस बार मैं इसमें देख रही हूँ, इसमें 5-6 अनार लगे हुए हैं जिसे मैं आपको दिखला रही हूँ। देखिए इसमें भी छोटे छोटे अनार लगे हुए हैं, इसके बाद का रिजल्ट मैं भी आपको दिखलाऊँगी। और इधर देखिए मैक्सिकन पिटूनिया है पर्पल कलर का, ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और एक बार गार्डन में लगा लेने से इसके ढेर सारे प्लांट बनते रहते हैं। ये देखिए शेडेड मॉस रोज, इसका भी कलर काफ़ी प्यारा सा है। तो मेरे पास शेडेड मॉस रोज ये वाइट कलर में भी है और डार्क पिंक कलर में भी है। और इसके बाद इधर सदाबहार है, मेरे गार्डन में सदाबहार ढेर सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। इधर बालसम है और यहाँ पर ये कनेर का प्लांट है, और कनेर का प्लांट भी मैं गमले में लगाई हूँ। देखिए मेरा मेरीगोल्ड भी खिलने वाला है और ये पुराना मेरीगोल्ड का प्लांट था। और ये येल्लो कनेर है, येल्लो कनेर के साथ यहाँ ऑरेंज कलर कनेर भी है, इसमें भी लगभग चार पांच फ्लावर रोज ही खिलते रहते हैं। तो इस तरह से गमले में भी हम इसे लगाकर फूल आसानी से पा सकते हैं। और इधर भी देखिए आज रेन लिली भी खिला हुआ है येल्लो कलर में, ये भी काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। और इधर भी पॉर्चुलका और मॉस रोज मैं वेस्ट प्लास्टिक के कंटेनर में, छोटे छोटे कंटेनर में लगाई हूँ और देखिए सारे ही काफ़ी अच्छे से लग रहे हैं। और यहाँ पे देखिए करेला भी लगा हुआ, बेटर ग्रॉड इसे बोला जाता है, तो ये भी खुद से उगाया है और लग चुका है। तो इस तरह से ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करिएगा, और अगर ये आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।